हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे स्थापना के इस लेक्चर में, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की रिवीजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सो फ्रेंड्स, आज मॉडर्न इंडिया का हमारा ये लेक्चर है और आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का ही एक सब टॉपिक है, दैट इज ब्रह्मो समाज। तो जब भी हम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, उसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट डायमेंशन को कवर करते हैं जिसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको लास्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, डू वॉच दैट लेक्चर। उसमें हमने स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया है कि हम कौन सी डायमेंशंस को, अगर हमें पता है कि डायमेंशंस कौन से कवर करनी है वाइल रिवाइजिंग सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग लगता है। बट फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड वॉट काइंड ऑफ फैक्ट्स डू यू नीड टू मेमोराइज, देन इट विल बी रियली ईजी फॉर यू टू ग्रास्प द एंटायर टॉपिक। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज को आज हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लेक्चर को स्टार्ट करें, आपको हम अपनी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के बारे में भी बता दें, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी का। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। इन टेस्ट में आपकी इंपॉर्टेंट डायमेंशन कवर होंगे रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, और इस टेस्ट सीरीज में हम मेंस का फॉर्डर भी इस प्रकार से आपको प्रोवाइड करेंगे कि जिन क्वेश्चंस में कुछ आपको इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स दिए हैं, अगर वो फैक्ट्स मेंस के आंसर की एनरिचमेंट आपकी कर सके तो उसको हम अलग से आपको हाईलाइट करके देंगे इन अ सेपरेट फाइल विच विल बी नोन एज मेंस फॉर द फाइल। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स चेकआउट कीजिए, डू चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, और अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस सीरीज में अगर आप चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी करंट अफेयर्स की को काफी अच्छी तरह से कंसोलिडेट करने में आपकी काफी मदद करेगा। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस टेस्ट सीरीज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए एनरोल करने का। रीजन नंबर वन इज के एक तो 70 दिन रह गए हैं, अराउंड 70 डेज आर लेफ्ट इस साल को कंप्लीट होने में। ठीक है, 31 दिसंबर के बाद 2020 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका एग्जाम भी 2020 ईयर में ही है। ठीक है, तो इस साल को खत्म होने में लगभग 70 दिन रह गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी अपनी यूपीएससी 2020 के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए जो भी आपने एफर्ट्स लगाने हैं, इन 70 दिनों में अच्छे से लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर रिवीजन का फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है कि टेस्ट सीरीज को आप अभी एनरोल कीजिए। सेकेंड रीजन है कि हमने इस पे फिलहाल एक कूपन कोड लगाया हुआ है, विच इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। ठीक है, इस कूपन कोड को यूज करके आप 15% ऑफ अवेल कर सकते हैं। ये कूपन कोड है CT100K। ठीक है, हमारे 100K सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक यू फॉर शोइंग योर ट्रस्ट इन अस। तो CT100K को यूज करके आप 50% ऑफ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमने कहां पे छोड़ा था। तो रिफॉर्म मूवमेंट्स हम पढ़ रहे थे, रिफॉर्म मूवमेंट्स के अभी तक हमने दो लेक्चर्स किए हैं, जिसमें एक हमने जनरल ओवरव्यू ले लिया है, और जो सेकंड लेक्चर था उसमें राजा राम मोहन रॉय के बारे में हमने पढ़ा था। राजा राम मोहन रॉय को हमने सेपरेटली इसलिए पढ़ा क्योंकि जब रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात आती है तो ही इज कंसिडर्ड एज अ मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड बेसिकली अ पायनियर। तो उनके बारे में थोड़े डेप्थ में पढ़ना, थोड़े अच्छे से पढ़ना जरूरी है, इसलिए उनको एक लेक्चर उनको हमने डेडिकेट किया। अब जब रिफॉर्म मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं तो उसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज की रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट। ठीक है, रिफॉर्मिस्ट वो हैं जो बेसिकली कहते हैं कि जो हमारा हिंदू रिलीजन है, इट इज अ वेरी गुड रिलीजन, बट माल प्रैक्टिसेस हैव क्रेप्ट इनटू इट। इन माल प्रैक्टिसेस को हमने एड्रेस करना है, और हिंदू रिलीजन को या अपने जो भी हमारा रिलीजन है इस टाइम पे 19th सेंचुरी इंडिया के टाइम पे, उसको मॉडर्न बनाना है एक तरह से, ताकि वो मॉडर्न चैलेंजेस को टैकल कर सके और मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। ऑन द अदर हैंड देयर वाज रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ये कहते थे कि आज की डेट में एक तो हिंदू रिलीजन माल प्रैक्टिसेस क्रैप्टन हुई हैं, लेकिन पहले काफी अच्छा होता था रिलीजन, तो हमने मॉडर्न इतना नहीं बनाना, हमने वापस पीछे जाना है। ठीक है, जहां से हम हिंदू रिलीजन जहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद मिशन एक्सेट्रा, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और रिफॉर्मिस्ट में ब्रह्मो समाज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और ब्रह्मो समाज के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो हमने राजा राम मोहन को ऑलरेडी कवर कर लिया है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस लेक्चर को देख लीजिए। यहाँ पे हम ब्रीफली उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कवर करते वक्त जब भी आपने कोई टॉपिक कवर करना है तो उसमें दो तरह के टॉपिक्स आप कवर करेंगे, एक होगा कोई इंडिविजुअल है जैसे राजा रॉय, ठीक है, दूसरा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन जैसे इनकी ब्रह्मो समाज है जिसको आज हम कवर कर रहे हैं, या इसको मूवमेंट भी कहेंगे हम। ठीक है, या तो इंडिविजुअल आप कवर करेंगे या फिर मूवमेंट कवर करेंगे, दोनों को ही जब कवर करना है। ठीक है, तो एक तो आपको जैसे इंडिविजुअल अगर कवर कर रहे हैं तो एक पता होना चाहिए कि इसने ऑर्गेनाइजेशन किन ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया। ठीक है, उसके बाद उनके लिटररी वर्क्स जिसमें उन्होंने अपनी फिलॉसफी को प्रोफेस किया, उनकी फिलॉसफी क्या थी। ठीक है, किस तरह की फिलॉसफी थी, मोनोथिस्ट थे, वेदांत थे, या जो भी उनकी फिलॉसफी थी
वो आपको पता होनी चाहिए और उस फिलॉसफी का मतलब भी पता होना चाहिए. इट्स नॉट जस्ट सफिशिएंट कि आपको मालूम हो कि राजा रॉय बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ वेदांता, यू शुड ऑल्सो नो वॉट वेदांता इज एक्चुअली, ठीक है, एंड वॉट मोनोथिज्म इज एक्चुअली, ठीक है. ये हमने सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर ली हैं, ठीक है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिवोट सम मोर टाइम हियर, हम न्यू चीज़ें पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है. इसके बाद फ्रेंड्स जो इंस्टीट्यूशंस उनके साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट्स को मटेरियलाइज करने के लिए कई सारे संस्थाओं का भी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, ठीक है. कई सारे इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए थे, तो वो भी हमें पता होने चाहिए. सेम थिंग अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को कवर करें तो सबसे पहले इसके फाउंडर्स कौन थे, ठीक है. अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसने ऑर्गेनाइजेशन कौन सी फाउंड की, और अगर ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके फाउंडर कौन थे. फिर हमें पता होना चाहिए कि उस इस ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी क्या थी, उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे थे वो, ठीक है. उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कोई जर्नल या लिटरेरी वर्क्स अगर हुए हैं वो हमें पता होने चाहिए. उसका रीजनल एक्सपांस पता होना चाहिए, क्या वो सिर्फ बंगाल में था या फिर काफ़ी वाइड स्प्रेड था उसका, या फिर वो ओरिजिनेट जो हुई वो कहाँ पे हुई, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ, साउथ, एट्सेट्रा. तो इस तरह से हम इसको कवर करेंगे तो हम काफ़ी ईजिली सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन को कवर कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगी इन डायमेंशन के ऊपर जनरली वो क्वेश्चन पूछती है, ठीक है. साथ में ट्रिवियल फैक्ट्स भी आते हैं, तो अगर हमें ये फैक्ट्स क्लियर हैं तो वील बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस आल्सो. एक बार क्वेश्चंस पे नजर मारते हैं फ्रेंड्स, किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछ सकती है, तो ये है आपके सामने. पहले हम क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल स्टडी द टॉपिक, सो दैट जब टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपको एग्जैक्टली पता हो कि मुझसे क्या पूछा जा सकता है. जब आपको पता होगा कि आपसे क्या पूछा जा सकता है तो आप उस टॉपिक को यू विल बी एबल टू रीड इट, यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट इन अ मच मच बेटर वे, ठीक है. तो क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है ये assertion reason का टाइप का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी यूपीएससी कभी कभार पूछ लेती है, दो तीन सालों में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और जनरली थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता है ये, ठीक है. तो यहाँ पे assertion है दैट क्रिश्चियन मिशनरी सपोर्टेड द एक्टिविटीज ऑफ ब्रह्मो समाज, और रीजन है ब्रह्मो समाज इनकॉर्पोरेटेड सम टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, ठीक है. आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या assertion और रीजन दोनों ट्रू हैं, और क्या रीजन जो दिया हुआ है ये करेक्ट रीजन है इस assertion का, या फिर assertion रीजन दोनों ट्रू तो हैं लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट रीजन नहीं है जो assertion की हुई है उसका, ठीक है. या फिर assertion फॉल्स है और रीजन ट्रू है, ठीक है. या फिर assertion ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ये हमने आइडेंटिफाई करना है. तो ऐसे क्वेश्चन आप तभी प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, ठीक है. जो उस टाइम पे हो रहा था, जो उस टाइम पे एक कहानी पूरी चल रही थी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, अगर वो आपके दिमाग में एब्सोल्युटली क्लियर है तभी आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस बना पाएंगे. एंड फ्रेंड्स बिलीव मी, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज बेसिकली लार्जली अ स्टोरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स. अगर आप पीछे चले जाएं, पूरे अतीत में चले जाएं, कुछ हुआ उसने कुछ इफेक्ट किया, ठीक है. फिर कुछ हुआ उसने आगे कुछ और चीज़ को इम्पैक्ट किया, फिर कुछ और डेवलपमेंट्स हुई उन्होंने आगे कुछ और चीज़ को इम्पैक्ट किया. तो इसी तरह से ये सारी हिस्ट्री है. तो हिस्ट्री को जब हम करेंगे तो हमने जो कॉजल लिंकेजेस हैं, ठीक है, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और ये अगर हमारे ब्रेन में एब्सोल्युटली क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये है फैक्चुअल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट साइड पे रिफॉर्म मूवमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, और राइट साइड पे लीडर्स दिए हुए हैं. और रिफॉर्म मूवमेंट्स देखिए काफी कंफ्यूजिंग है, ब्रह्मो सभा, साधारण ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है. तो अगर आप में से किसी ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है ब्रह्मो समाज का, तो उनको पता होगा कि ब्रह्मो समाज जो था, कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया था कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ब्रह्मो सभा, ठीक है. लेटर इट केम टू बी नोन एज ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज में स्प्लिट्स हुए थे इंटू टू कैटेगरीज, ठीक है, और फर्दर इन कैटेगरी से एक कैटेगरी में फर्दर आगे दो स्प्लिट हो गए थे, ठीक है. तो वो इन सारे स्प्लिट्स के बारे में ही एक तरह से इस क्वेश्चन ने पूछ लिया है कि जो जो स्प्लिट हुए थे उसके लीडर कौन कौन थे, ठीक है. राइट साइड पर जो लीडर्स दिए हुए हैं वो हैं केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय एंड आनंद मोहन बोस, ठीक है. तो ये अगर हमें फैक्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है, अगर ये अगेन फ्रेंड्स ये देखिए, ये कॉज एंड इफेक्ट ही हो रहा है. कुछ ऐसा हुआ होगा ब्रह्मो सभा में जब उसको ब्रह्मो समाज बनाया, और ब्रह्मो समाज में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसका स्प्लिट हुआ, तो वो स्प्लिट के पीछे कौन सा इंसान एक कारण बना, वही तो उसका लीडर होगा फिर स्प्लिट वाली ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है. तो अगर हमें ये कॉजल लिंक्स क्लियर हैं जो अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ, अगर ये कॉजल लिंक्स क्लियर हैं तो ऐसे मैथ द क्वेश्चन टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो इसमें हमने इनको मैच करना है, अभी हम थ्योरी पढ़ने के बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई करनी है. ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट है, ठीक है. तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स इतनी मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन की ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन जो है ये जो कह रहा है ऊपर,
ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये भी हम अभी सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसको टैकल करना है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हो गई, एक तो आपको कॉजल लिंक्स पता होनी चाहिए, दूसरा उन कॉजल लिंक्स को जब हमने अप्लाई करना है तो क्वेश्चन को पढ़ने की कला भी आप में होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन वेरी केयरफुल, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन व्हाट क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू, ठीक है। तो यही क्वेश्चन भी अभी हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे। After reading this lecture, you will be able to solve it very easily, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ही बिकेम आचार्य एट ब्रह्मो समाज इन 1858, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग द ब्रह्मो समाज मूवमेंट आउटसाइड बंगाल, ही प्रीच रेडिकल आइडियाज फॉर सोशल रिफॉर्म्स लाइक ओपनली सपोर्टिंग इंटरकास्ट मैरिजेस, ही गॉट हिज डॉटर मैरिड टू माइनर हिंदू राजा ऑफ कूच बिहार, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये किस पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएटेड हैं वो हमने आइडेंटिफाई करना है। क्या ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो रही है, क्या ये देवेंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, क्या ये केशव चंद्र सेन की बात हो रही है, या फिर आनंद मोहन बोस की बात हो रही है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस राइट, एंड अकॉर्डिंगली हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। अगेन फ्रेंड्स, ये क्या है, ये फैक्चुअल है, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। तो हिस्ट्री के अंडर हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चीजें, वन वी आर अंडरस्टैंडिंग कॉजल लिंक्स, वन वी आर अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स, एंड थर्ड थिंग वी आर अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द एमसीक्यू आस्क्ड, ठीक है। प्री में एमसीक्यू पूछा जाता है, मेंस में जो मेंस का क्वेश्चन होगा उसको हमने सीखना है, ठीक है। तो हिस्ट्री को इस तरह से आपने अप्रोच करना है। इसके बाद आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि नवविधान, यह हिस्ट्री में सुना जाता है, इट इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी, क्या ये ब्रह्मो समाज को कहते थे, आदि ब्रह्मो समाज को कहते थे, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को कहते थे, या फिर साधारण ब्रह्मो समाज को कहते थे। तो अगेन कई सारे जो स्प्लिट्स हुए थे ब्रह्मो समाज में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एंड तक इसको जरूर देखिएगा ध्यान से, आपकी सारी कवरेज हो जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड मेनी अदर क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसको एक्चुअली ब्रह्मो सभा के नाम से फाउंड किया गया था इन ऑगस्ट ऑफ 1828, और किसने किया था इसको फाउंड, राजा राम मोहन रॉय, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। बाद में इनका नाम, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्रह्मो समाज कर दिया गया, ठीक है। इनिशियली ब्रह्मो सभा किया था क्योंकि सभा मींस असेंबली, ठीक है, तो असेंबली थोड़े लोगों की होती है। ग्रेजुअली ये ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा के जो आइडियाज और फिलॉसफी थी वो पॉपुलराइज होनी स्टार्ट हो गई, कई लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, तो ग्रेजुअली ये बढ़ना शुरू हो गया। जब ये एक सफिशियंट लेवल पे बढ़ना स्टार्ट हो गया तो लीडर्स फाउंड इट वेरी एप्ट टू चेंज इट्स नेम फ्रॉम सभा टू समाज, ठीक है। समाज इज सोसाइटी, समाज का लिटरल मीनिंग होता है सोसाइटी, और सभा का लिटरल मीनिंग होता है असेंबली। नाउ सोसाइटी इज मच लार्जर देन एन असेंबली ऑफ फ्यू पीपल, तो जैसे बड़ा साइज वैसे चेंज हुआ नाम, ठीक है। इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय राजा रॉय टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडिया एंड मिशन, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इनकी फिलॉसफी और आइडिया क्या थे, ये वेदांता में बिलीव करते थे, मोनोथिज्म में बिलीव करते थे, आइडोलेट्री के अगेंस्ट थे। तो इसको एक मास लेवल पे पहुंचाने के लिए, सोसाइटी के डीप रूट्स ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की 1828 में, तब ये ब्रह्मो सभा के नाम से जाना जाता था, बाद में ये ब्रह्मो समाज के नाम से जाने जाने लगा, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन की या फिर इस रिफॉर्म मूवमेंट की अगर फिलॉसफी की बात करें तो एक कोट है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, अगर आप अपने पेन और पेपर के साथ हमारे लेक्चर्स देखते हैं इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू शुड एक्चुअली वॉच आर लेक्चर्स विद पेन एंड पेपर एंड नोट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें यह चीज नोट कर लीजिए आप, द वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ द इटर्नल अनसर्चेबल इम्यूटेबल बींग हु इज द ऑथर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया जाए आपसे ब्रह्मो समाज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, या फिर इंडियन सोसाइटी के सोशल रिफॉर्म्स या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है, वहां पे हाउ वी डिटरमिन गॉड, हाउ वी व्हाट इज द आइडिया ऑफ गॉड फॉर अस, ठीक है, तो वो हम इन लाइंस को यूज करके बता सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी कभी कभी टेढ़े क्वेश्चन पूछ लेती है, एथिक्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है, अगर ये पूछ सकती है आपसे कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, ठीक है, तो आपकी थोड़ी विचारधारा को समझने के लिए दे मे ऑल्सो आस्क दैट व्हाट इज गॉड टू यू, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गॉड, ठीक है, और सेक्युलरिज्म फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रह्मो समाज जो था वो कमिटेड था वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ इटर्नल अनसर्चेबल, इटर्नल मतलब जो इमॉर्टल है, वो सदैव है, हमारे से पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा, अनसर्चेबल जिसको ढूंढा नहीं जा सकता, इम्यूटेबल जिसकी अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है, हु इज द ऑथर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, यानी कि वो एक तरह से अजर अमर
जो भगवान है जिनका कोई रूप नहीं है, ठीक है, उनकी वर्शिप हमने करनी है, ना कि मूर्ति पूजा करनी है, ठीक है। तो अब भगवान के साथ कनेक्शन फिर भी बनाना जरूरी है इंसान का, ठीक है। तो उसके लिए कहते थे कि प्रेयर करो, मेडिटेशन करो और उपनिषद्स का पाठ करो, ठीक है। देवर स्ट्रिक्टली अपोज टू एडोलेट्री एंड अदर मीनिंगलेस रिचुअल्स, जो कि इंडिया हिंदू रिलीजन में और बाकी इंडिया के रिलीजन्स में काफी ज्यादा क्रीप इन कर गए थे, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यू शुड नो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्मो समाज, क्योंकि अगर इनकेस यूपीएससी ने आपसे एक शॉर्ट नोट पूछ लिया कि डिस्कस द सेलियंट फीचर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और वहां पे हमने ऑब्जेक्टिव ना बताया ब्रह्मो समाज का, तो एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा, ठीक है। आपने इतनी सारी कहानी बता दी लेकिन व्हाट एक्चुअली वाज द एजेंडा ऑफ ब्रह्मो समाज, व्हाट एक्चुअली वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रह्मो समाज, वही मिसिंग है, तो उससे बात नहीं बनेगी। एंड प्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ब्रह्मो समाज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो उसमें जो बेस्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही होगी ब्रह्मो समाज के ऑब्जेक्टिव को, उसको हमने करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। तो ब्रह्मो समाज, इट एम टू प्योरिफाई हिंदुइज्म एंड प्रीच मोनोथिज्म, ठीक है। मोनोथिज्म, वेदांता भी अगर आ गया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मोनोथिज्म एंड वेदांता, हमने पढ़ा था कि वेदांता इज बेसिकली सबसेट ऑफ मोनोथिज्म, अ कैटेगरी, अ टाइप ऑफ मोनोथिज्म, ठीक है। और इसको प्रीच करने के लिए, इसको प्योरीफाई करने के लिए इन्होंने ट्विन पिल्लर्स यूज किए, एक रीजन यानी कि लॉजिक, ठीक है, कि जो भी इलॉजिकल चीजें हैं उसका खंडन कर दिया जाए। यहां तक कि राजा राय ने ये तक कह दिया था, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, कि अगर वेदों में भी कोई ऐसी चीज लिखी है या होली स्क्रिप्चर्स में भी कोई ऐसी चीज लिखी है जो इलॉजिकल है, तो फिर उन होली स्क्रिप्चर्स की लिखी हुई उस चीज का भी खंडन कर देना चाहिए, ठीक है। अगर वो रैशनल नहीं है तो उसका खंडन कर देना चाहिए। ये बात उन्होंने सती के कॉन्टेक्स्ट में बोली थी कि सती जैसी चीज कई लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये तो वेदों पुराणों में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि सती जैसी चीज इरैशनल है, इलॉजिकल है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, और अगर ऐसी चीज कि जिंदा इंसान को सिर्फ क्योंकि उसका हस्बैंड की डेथ हो गई है और जिंदा इंसान को जला देने की बात अगर स्क्रिप्चर्स में की गई है, तो उन स्क्रिप्चर्स की उस बात को नकार दिया जाए, ठीक है, खंडन कर दिया जाए, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है, राइट। एंड एक तो रीजन को फॉलो करना है और दूसरा वेदों और उपनिषद में जो बातें की गई हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये ट्विन पिलर्स थे और हैंड इन हैंड चलते थे, ठीक है। अगर वेदों और उपनिषद में रीजन एब्सेंट है तो यहाँ पे इनका मानना था कि उसका भी खंडन किया जा सकता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये बाकी रिलीजन्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जो अच्छी बातें थी, उनको भी इनकॉर्पोरेट करते थे और इनका एम्फेसिस था कि ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन किया जाए, आइडोलेट्री यानी कि आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, उसका खंडन किया जाए, और सोशल इवल्स जो हैं जैसे कि सती, विडोज की हालत, ठीक है, विडो की जो उस टाइम पे हालत थी बहुत खराब थी, देवर मेयरली अ लिविंग बॉडी, ठीक है, देवर नॉट ह्यूमन्स, ठीक है, सिर्फ एक जिंदा जान ही थी बस, उनमें सिर्फ सांस लेते थे वो, एक इंसान की जो डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए उस तरह की हालत उनकी नहीं थी, ठीक है। तो इन सब के अगेंस्ट थे वो, ठीक है, और इनके अगेंस्ट ही इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव रखा, ठीक है। तो इनका एजेंडा बेसिकली हिंदुइज्म को प्योरीफाई करना था यूजिंग द ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन एंड वेद उपनिषद एंड इनकॉर्पोरेट द टीचिंग्स ऑफ अदर रिलीजन टू अचीव द सेम, ठीक है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव था। अब इस सब के बीच में एक सवाल खड़ा होके आया कि क्या राजा रॉय बाकी रिलीजन की भी फिलॉसफी को इनकॉर्पोरेट करके और हिंदू रिलीजन की फिलॉसफी को मॉडिफाई करके, ठीक है, जो जनरल मान्यताएं उस टाइम पे थी 19th सेंचुरी इंडिया में, उसको मॉडिफाई करके क्या ये नया धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, क्या ये नया रिलीजन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है नहीं, ठीक है। इसमें ऑल दो सम एलिमेंट्स उनको ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था कि क्रिश्चियनिटी के एलिमेंट्स वो हिंदुइज्म में ला रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट राजा रॉय के कई जो फॉलोअर्स थे दे टर्न्ड टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ऐसा भी हुआ था। तो इनको लगा था कि शायद ये एक नया रिलीजन अपना एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं जिसके एक तरह से ये प्रोफेट होंगे, ठीक है, मसीहा होंगे, ठीक है। लेकिन राजा रॉय की ऐसी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं थी, उनका ऑब्जेक्टिव और एजेंडा जो था वो था सिर्फ हिंदू रिलीजन को प्योरीफाई करना, जिसमें कई सारी इविल माल प्रैक्टिसेस जो थी वो क्रैप्ट इन हो गई थी, ठीक है, लोगों के अंधविश्वास बढ़ गए थे, ठीक है, सती प्रथा, विडोज की हालत, चाइल्ड मैरिज एटसेट्रा, ऑल दिस थिंग्स दे क्रैप्ट इन टू हिंदू रिलीजन। सो ही जस्ट वॉन्टेड कि हिंदू रिलीजन मॉडर्न एज की डिमांड के हिसाब से एक प्रोग्रेसिव रिलीजन बने, ताकि जो अंग्रेजों के साथ हमारी रेस ऑफ सिविलाइजेशन में चल रही है उसमें हम हार ना जाएं, ठीक है, ये उनका ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद फ्रेंड्स, अब वो अपना काम कर रहे थे, ठीक है, रिफॉर्म्स का, ठीक है। तो जब भी एक कहावत है और एक जनरल फैक्ट है कि जब भी आप अच्छा काम करते हैं या जब भी आप कुछ हटके करते हैं, उस टाइम पे 19th सेंचुरी इंडिया को इमेजिन कीजिए, एक तरफ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो चेंज की बात कर रहा है, तो इनिशियल रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो ऑब्वियसली राजा रॉय को और उनके ब्रह्मो समाज को भी रिएक्शंस का सामना करना पड़ा था सोसाइटी के अलग अलग एलिमेंट से। तो वो कैसे रिएक्शंस थे, क्या उनका इंपैक्ट रहा, उनको पढ़ लेते हैं। तो जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था
राजा रॉय की एक तरह से ब्रह्मो समाज को, और इसमें इनफैक्ट राजा राधाकांत देव जो थे उन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी टू काउंटर ब्रह्मो समाज प्रोपेगेंडा। ठीक है, उन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। काइंडली नोट कि धर्म सभा ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका इसकी स्थापना जो हुई थी वो बेसिकली ब्रह्मो समाज को अपोज करने के लिए हुई थी, ठीक है, समर्थन करने के लिए नहीं। और इनके फाउंडर कौन थे? राजा राधाकांत देव। ठीक है, तो व्हाट शुड यू नो? यू शुड नो द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स फाउंडर एंड इट्स पर्पस ऑफ बीइंग एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये तीन बेसिक चीजें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए आपका होमवर्क। इसके बारे में कुछ और चीजें गूगल पे थोड़ा सर्च जरूर कीजिए, राइट। एंड इसके बाद फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइजेशंस आई थी, धर्मसभा उनमें से काफी प्रचलित ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा हावी होना शुरू हो गई थी इंडियन सोसाइटी के ऊपर व्हेन इन 1833 राजा रॉय का देहांत हो गया। ठीक है, और क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करें हम फ्रेंड्स, तो हमने अपना क्वेश्चन भी एक देखा था, तो क्रिश्चियन मिशनरीज आप कईयों को लग सकता है कि क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी की भी टीचिंग्स को हिंदू रिलीजन में इनकॉर्पोरेट कर रहे थे तो शायद क्रिश्चियन मिशनरीज का इनको सपोर्ट मिला होगा। बट हकीकत ये थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को लगा कि ये हमारे क्रिश्चियनिटी को चुरा के हिंदू का ठप्पा लगा रहे हैं। ठीक है, धर्म की ऐसी लड़ाई यहाँ पे हुई थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी ब्रह्मो समाज से और राजा रॉय से थ्रेटन्ड महसूस करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर राजा रॉय अपना काम करते रहे तो हिंदू रिलीजन को एक मॉडर्न आउटलुक मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और जिन तथ्यों पे, जिन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे हम कन्वर्जन करवाते हैं लोगों की, ये कह के कि हिंदू रिलीजन इरेशनल है, इलॉजिकल है, इसमें मैल प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो मैल प्रैक्टिसेस ठीक हो गई तो फिर कन्वर्ट कौन होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ प्रैक्टिसेस और क्रिश्चियन मिशनरीज का ऐसा रिएक्शन देखने को मिला था उस टाइम पे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स राजा रॉय के देहांत के बाद ब्रह्मो समाज की कमान संभाली थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और बहुत जल्द केशव चंद्र सेन भी एक इंपॉर्टेंट एसोसिएट बन गए थे ब्रह्मो समाज के, जिन्होंने ब्रह्मो समाज को बंगाल के बाहर पॉपुलराइज करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर से। तो ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करने से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को फाउंड किया था 1839 में। ठीक है, और इनके तत्वबोधिनी सभा के ये हेड थे, और तत्वबोधिनी सभा की एक लिटररी वर्क था तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है, ये बंगाली में थी, काइंडली नोट द लैंग्वेज एज वेल। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका ये बंगाली में एक जर्नल था, इट वॉज इट्स ऑर्गन। ठीक है, इट वॉज डिमोटेड टू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट। ठीक है, इंडिया का जो अतीत था, इंडिया का जो पास था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके मौर्य एंड एटसेट्रा ऑल दोस थिंग्स, उनको सिस्टमैटिकली स्टडी करते थे और इंडिया की जो ग्लोरी थी उसको एक तरह से लोगों के सामने, आम जनता के सामने हाईलाइट करते थे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि वर्नैक्युलर लैंग्वेज का यूज करके इंडिया की पास्ट ग्लोरी को हाईलाइट किया जा रहा है आम जनता के बीच में। ठीक है, ताकि उनमें इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, और ये एक नेशनल अवेकनिंग में एक कंट्रीब्यूशन भी ऐड हुई थी इससे। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया के पास की सिस्टमैटिक स्टडी की विद अ रैशनल आउटलुक एंड दे ऑल्सो प्रोपगेटेड राजा राम मोहन रॉयस आइडिया। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करने से पहले भी ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद राजा रॉयस आइडियाज, और इनफैक्ट तत्वबोधिनी पत्रिका में राजा रॉय के आइडियाज को प्रोपगेट किया जाता था। ठीक है, तो मॉडर्न आउटलुक देने की कोशिश की गई थी। ठीक है, इन्होंने 1842 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया, और इनके ज्वाइन करते ही एक तरह से एक नई शक्ति मिली ब्रह्मो समाज को। ठीक है, एंड इस तरह से जो इनकी तत्वबोधिनी सभा है और जो ब्रह्मो सभा थी उस टाइम पे, बाद में उसको ब्रह्मो समाज कह दिया गया, ठीक है, उसकी इनफॉर्मल एसोसिएशन हो गई, यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी के तत्वबोधिनी सभा के समर्थक और ब्रह्मो सभा के समर्थक एक तरह से इनफॉर्मली एसोसिएट हो गए, असेंबली बड़ी हो गई तो वो बन गई समाज। ठीक है, तो हेंस ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो उनके इनफॉर्मल ज्वाइन होने से ब्रह्मो समाज को ना केवल शक्ति मिली, मैन पावर भी मिली, न्यू आइडियाज मिली, न्यू फिलोसफी मिली। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर की जो ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग थी और उनका जो वेस्टर्न थॉट के साथ जो उनकी इंटरेक्शन थी, एक तरह से वेस्टर्न थॉट के बारे में उनकी जो अवेयरनेस थी, उसने ब्रह्मो समाज को एक नई जान फूंकी उसमें। ठीक है, उस टाइम पे जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स एक तरह से हावी हो रहे थे, वो बातें करते थे ट्रेडिशनल इंडिया की। ठीक है, रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट की ऐसे थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी, तो राधाकांत देव जैसी और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थी, धर्म सभा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, वो पुरानी बातें करते थे। अब देवेंद्रनाथ टैगोर ये रामायण और महाभारत की भी एग्जाम्पल देके उसमें भी वेस्टर्न थॉट की सिग्निफिकेंस बता के कहते थे कि इंडिया, दिस इज द राइट टाइम फॉर इंडिया टू अडॉप्ट मॉडर्न थॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स भी थे उनको भी एक बहुत स्ट्रांग चैलेंज मिला। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से
देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रह्मो समाज में, ठीक है, मेंस में आपके काम आ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी अगर इस तरह के स्टेटमेंट पूछी गई तो आप उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और याद रहे ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, अगर ये पूछा जाए तो उसका करेक्ट आंसर राजा राम मोहन रॉय ही रहेगा, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है। देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज एसोसिएटेड विद तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, और इनके ज्वाइन करने के बाद तत्वबोधिनी और सभा और ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा जो जो भी है उसकी इनफॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन हुई थी, ठीक है। फॉर्मली वो अभी भी दो एंटिटीज थी, इनफॉर्मल लेवल पे उनकी आपस में एसोसिएशन हो गई थी, ठीक है। अब देवेंद्रनाथ टैगोर ने हमने अभी कहा कि ब्रह्मो समाज में नई जान फूकी, तो इसके लिए उन्होंने किया क्या, इसमें उन्होंने दो अप्रोच फॉलो की, एक हिंदुइज्म को अंदर से ठीक करना और एक हिंदुइज्म को बाहर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं द फॉर्म ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड अदर सिमिलर एलिमेंट्स, उनको टैकल करना। तो विद इन हिंदुइज्म ब्रह्मो समाज वॉज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, इट सपोर्टेड वेरियस प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस सच एज विडो रीमैरिज, विमेन्स एजुकेशन, अबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एटसेट्रा। और आउटसाइड हिंदुइज्म जो फैक्टर्स आ रहे थे जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज, और जिस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज ने हिंदुइज्म के एक तरह से बैकवर्ड होने का दावा करके कई लोगों को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी की लीडरशिप के अंडर ब्रह्मो समाज रेजोल्यूटली यानी कि बहुत ही शक्ति के साथ उन्होंने अपोज किया क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म एंड देयर अटेम्प्ट्स एट कन्वर्जन, ठीक है। बहुत ही शक्ति के साथ उन्होंने उसका सामना किया और टैकल किया उसको, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज जब पॉपुलराइज हो रहा था उसमें शक्ति आ रही थी, तो ग्रेजुअली क्या हुआ, ब्रह्मो समाज केम टू इंक्लूड प्रोमिनेंट फॉलोअर्स ऑफ राजा रॉय सच एज डेरोजियंस एंड इंडिपेंडेंट थिंकर्स सच एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है। ऑल्दो इनको हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे और डेरोजियंस को थोड़ा सेपरेटली भी माना जाता है, ये ब्रह्मो समाज से थोड़े ज्यादा रेडिकल थे, लेकिन यस ये राजा रॉय के डेफिनेटली फॉलोअर्स थे, ठीक है, और ब्रह्मो समाज के एक तरह से एसोसिएट बन गए, ठीक है। तो डेरोजियंस के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें जो हैं अगर वो इंडिपेंडेंटली पूछी जाती हैं तो दे विल बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फिलोसफी ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है। डेरोजियंस जो थे बेसिकली ये इतने रेडिकल थे कि कुछ प्रैक्टिसेस कि जैसे कि बीफ खाना, ये तो एक तरह से रिबेल्स बन गए थे कि जो चीज़ें हिंदुइज्म को ठेस पहुंचाती हैं उस पर भी रिजॉर्ट हो जाओ, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज इतना एक्सटेंट पे नहीं जाता था, ठीक है, तो इस मामले में वो डिफरेंट रहेंगे, लेकिन स्टिल डेरोजियंस को एक तरह से समर्थन, डेरोजियंस का समर्थन मिला था ब्रह्मो समाज को, ये आपने याद रखना है। इसके बाद केशव चंद्र सेन की बात करते हैं, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना काम किया और ब्रह्मो समाज को एक स्ट्रेंथ दी, लेकिन अभी भी बंगाल प्रेसिडेंसी और बंगाल रीजन में ही ब्रह्मो समाज की एक्टिविटीज और उसकी फिलोसफी आइडियाज एंड एक्टिविटीज जो थी वहीं तक कन्फाइंड थी। केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य बनाया, ठीक है, एक तरह से सेक्रेटरी भी बनाया, और 1858 में जैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया तो आचार्य बनते ही इन्होंने एक तरह से बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया ब्रह्मो समाज को बंगाल के बाहर पॉपुलराइज करने में, ठीक है। तो ये यूनाइटेड प्रोविंसेस में, पंजाब में, बॉम्बे में, मद्रास में स्पेशली, ठीक है, मद्रास में काफ़ी सारी ब्रांचेस बनी थी और कई और टाउन्स में, कई अन्य टाउन्स में इनकी ब्रह्मो समाज की ब्रांचेस बनाने में इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई, लेकिन ये इतने रेडिकल थे कि इनकी देवेंद्रनाथ टैगोर जी के साथ थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इमर्ज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इनका मानना था कि ब्रह्मो समाज की जो मीटिंग है इट शुड बी कॉस्मोपोलिटाइज्ड, कॉस्मोपोलिटाइज्ड का मतलब है कि जितने भी रिलीजन है उन सबकी टीचिंग्स को इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, एकदम से। तो इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर थोड़ा डिसएग्री करते थे, वो ये कहते थे कि ब्रह्मो समाज थोड़ा सा हिंदू रिलीजन के रिफॉर्म्स के साथ एसोसिएटेड है, तो लेट्स नॉट गेट टू रेडिकल, हम जो रैशनल चीज़ें हैं और जो स्टेप बाई स्टेप चीज़ें करनी हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं एंड देन ग्रेजुअली वी कैन डू द कॉस्मोपोलिटाइजेशन, ठीक है, बट नॉट टू सडनली। तो यहाँ पे इनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था। इसके बाद कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा थे और ओपनली ही सपोर्टेड इंटरकास्ट मैरिज। देवेंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि इनका सोचना शायद गलत नहीं है लेकिन अभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, और एकदम से अगर इन्होंने इस तरह के बातें करनी शुरू कर दी ओपनली तो जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा लोगों को ब्रह्मो समाज और उसकी एक्टिविटीज के अगेंस्ट भड़काना, ठीक है। तो यहाँ पे केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए। तो हुआ क्या कि 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य के ऑफिस से डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ब्रह्मो समाज को बाहर पॉपुलराइज करने में, तो उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866, ठीक है, 1865 में ही वॉज डिसमिस्ड, 1866 में उनके जो समर्थक थे उन्होंने फॉर्म कर दी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ऑफ इंडिया इसलिए आया
क्योंकि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज को पैन इंडिया बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई, और इनमें से कई ब्रांचेज जो इनकी मदद से खुली थी जो बंगाल के बाहर थी वो कन्वर्ट हो गई ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में, उन्होंने इनको समर्थक दिया। तो एज कम्पेयर टू ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज रह गया कन्फाइंड विद इन द रीजन ऑफ बंगाल, वाइल ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया विच वॉज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ केशव चंद्र सेन्स एक्टिविटीज, वो बना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और वो थोड़ा बंगाल के बाहर भी फैला। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखने, यूपीएससी में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को ही नव विधान के नाम से भी जाना जाता था। नव विधान में ये रामकृष्ण मिशन और उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी से भी थोड़ा प्रभावित थे, ठीक है, और उन्होंने उनके कुछ बातों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, यूपीएससी बहुत डीप में तो नहीं जाएगी, सरफेस लेवल पे अगर क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड इस बीच जब उन्होंने देखा, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने देखा कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया नाम इन्होंने दिया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है ब्रह्मो समाज एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जो थी वो बहुत रेडिकल और बहुत प्रोग्रेसिव बातें कर रहा था, जो कि एक तरह से इट वॉज डूम टू फेल। ठीक है, उस टाइम पर ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स का बोलबाला थोड़ा ज़्यादा था और ज़्यादातर सोसाइटी भी ऑर्थोडॉक्स थी, तो एकदम से अगर आप कुछ ऐसा रेडिकल अप्रोच फॉलो करते हैं तो यू आर लाइकली टू गेट टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कि इट माइट फेल यू। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा डिफरेंट अपना नाम रखेंगे, वी कैन नॉट बी नोन बाय द नेम ऑफ ब्रह्म समाज, हमें थोड़ा बताना होगा कि वी बिलीव इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी और ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को ही हम रिफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि वी विल बी नोन एज आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो अभी तक आपने याद रखना है कि ब्रह्मो सभा बनी, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, ये थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है, ब्रह्मो सभा और तत्वबोधिनी सभा की इनफॉर्मल एसोसिएशन जब हुई तो बना ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज में आए केशव चंद्र सेन और उनकी रेडिकल अप्रोच, उनकी रेडिकल अप्रोच जब आई तो उससे केशव चंद्र सेन को किया डिसमिस, तो ब्रह्मो समाज जो था वो बंटा दो गुटों में, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्मो समाज। ठीक है, अब आदि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में भी फर्दर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने स्टार्ट हो गए, तो इसकी फर्दर स्प्लिट आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार स्प्लिट हो रहे हैं, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की हम लिमिटेशंस में इंक्लूड कर सकते हैं, इन केस मेंस में आपको क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और अगर प्री में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ लिमिटेशन ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया, तो उसमें अगर ये पॉइंट मेंशन होता है तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, रिपीटेड स्प्लिट हुए थे। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज इन इंडिया में भी स्प्लिट हुआ कब, जब 1878 में केशव चंद्र सेन वो प्रीच तो कर रहे थे रेडिकल अप्रोच, ठीक है, कास्ट सिस्टम हटा दो, जितने भी कॉस्मोपोलिटाइजेशन कर दो और जो रिचुअल्स हैं उनको बिल्कुल खारिज कर दो, लेकिन इनकी करनी और कथनी में इतना फर्क था कि खुद तो प्रीच से कुछ और कर रहे थे, किया कुछ और। इन्होंने अपनी 13 साल की बेटी का विवाह एक माइनर, ठीक है, यानी कि 18 वर्ष से भी कम उम्र के एक हिंदू महाराजा ऑफ कूच बिहार के साथ कर दिया, और इसमें सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदू रीति रिवाजों के साथ ये विवाह हुआ था। ठीक है, इससे जो केशव चंद्र सेन के कई फॉलोअर्स थे वो बहुत डिसगस्ट हुए थे, उनको लगा कि बहुत डिसगस्टिंग इंसान है ये, इसने कहना कुछ है करना कुछ और है, उनका मोरल डाउन हुआ एंड दे डिसाइडेड टू स्प्लिट फ्रॉम ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अर्लियर केशव हैड बिगन टू बी कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ गॉड हिमसेल्फ बाय सम ऑफ हिज फॉलोअर्स, विच वॉज टू द डिसलाइक ऑफ हिज प्रोग्रेसिव फॉलोअर्स। ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेसिव फॉलोअर्स तो कहते थे कि गॉड वो एक ही है जिसका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है और सबका मालिक एक। ठीक है, अब कुछ फॉलोअर्स इसका मानना शुरू हो गया कि यही भगवान है, तो उनको बुरा लगना स्टार्ट हो गया। इसके बाद जब ये एक्टिविटी हुई, ये हरकत हुई कि बेटी का विवाह एक माइनर राजा के साथ कर दिया, तो यहाँ पे ये और डिस्कस्ड हो गए और इनको पता लग गया कि केशव चंद्र सेन जो है ही इज एक्चुअली टर्निंग टू बी एन अथॉरिटेरियन। ठीक है, कि डिक्टेटरशिप एक तरह से कर रहे हैं, तो वहां पे भी इनका एक तरह से फेलियर था केशव चंद्र सेन का। तो आफ्टर 1878 जो डिस्गस्टेड फॉलोअर्स थे केशव चंद्र सेन के, उन्होंने न्यू ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की साधारण ब्रह्मो समाज, और इसमें आनंद मोहन बोस, ठीक है, दिस इज आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव या शिव चंद्र देव, ठीक है, अगर दोनों आ जाए यूपीएससी पूछते तो कंफ्यूज नहीं होना, एंड उमेश चंद्र दत्त, इन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज को फॉलो करने एस्टैब्लिश करने में एक अहम भूमिका निभाई, एंड इट रीइटरेटेड द ब्रह्मो डॉक्ट्रिन्स ऑफ फेथ इन सुप्रीम बीइंग वन गॉड एंड द बिलीफ दैट नो स्क्रिप्चर और मैन इज इनफॉलिबल, बिलीफ इन द डिक्टेट्स ऑफ रीजन ट्रूथ एंड मॉरलिटी। ठीक है, इसमें बिलीव करते थे। ठीक है, इन्होंने बेसिकली
जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था उसको इनको लगा कि वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और हरकतें उनके लीडर की ही हरकतें ऐसी हैं तो उसमें कुछ दम नहीं है, तो हम इतने महान नहीं हैं आपकी तरह, हम साधारण कहलाने में ही ठीक रहेंगे, ठीक है। एंड वी बिलीव कि भगवान एक है, ठीक है, फिलोसफी एक है, एंड द बिलीव नो स्क्रिप्चर और मैन इज़ इनफॉलिबल, कोई भी स्क्रिप्चर या कोई भी इंसान जो है वो इनफॉलिबल नहीं हो सकता, ठीक है। और ये रीज़न में बिलीव करते थे, यानी लॉजिक में बिलीव करते थे, सत्य में बिलीव करते थे, ठीक है, और मोरालिटी में बिलीव करते थे, ठीक है। तो ये इनकी फिलॉसफी थी, इनके फाउंडर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फाउंडर्स के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ सकती है, ठीक है। अब क्रिटिकल एनालिसिस अगर हमने करना है ब्रह्मो समाज का, जिसमें जो आपके मेंस में काफ़ी काम आ सकता है, तो इसमें फ्रेंड्स दो तरीकों से हमने इसके पढ़ना है, हमें सिग्निफिकेंस भी पता होनी चाहिए और हमें लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस में वी ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड कि इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में काफ़ी अच्छा काम किया था, काफ़ी सारे डॉगमास और सुपरस्टिशंस, डॉगमास मतलब जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें थी जैसे सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज, प्लाइट ऑफ विडोज एट्सेट्रा, ठीक है, इसमें इन्होंने काफ़ी काम किया था, तो वहाँ पे उनकी सिग्निफिकेंस है। दे कंडेम्ड प्रिवेलिंग हिंदू प्रेजिडिस अगेंस्ट गोइंग अब्रॉड, ठीक है, इन्होंने कहा कि अब्रॉड नहा गए अगर आप तो किस तरह से प्रोग्रेस करोगे। आज की डेट में आप देखिए इंडिया में बाहर जाने से कितना प्रोग्रेस करते हैं लोग, और वहाँ से कुछ सीख के हम अपने देश में वापस लेके आते हैं, और सबसे ज़्यादा अब्रॉड कौन घूमता है इंडिया में आजकल, वो आप सबको पता है, ठीक है। तो ये बातें 19th सेंचुरी से ही कहनी शुरू कर दी थी, अगर हिंदू रिलीजन की माने हम, हिंदू रिलीजन में, ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिलीजन में तो ऐसा बोला गया है कि बेसिकली कि समुद्र नहीं लांगना हमने, ठीक है, ये 1857 के रिवोल्ट के भी वन ऑफ द कॉजेज बना था ये, कि समुद्र ना लांगना, ठीक है, अगर समुद्र लांगा तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसी बातें की गई थी। तो इन्होंने कहा कि रीज़न पे बिलीव करो, ये इलॉजिकल बातें हैं, इनमें आप बिलीव ना कीजिए। सो इट वर्कड फॉर अ रिस्पेक्टेबल स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, इट कंडेम्ड सती, वर्क फॉर द अबोलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम, डिस्करेज चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, इट क्रूसेडेड फॉर द विडो रीमैरिज एंड फॉर प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर वुमेन, इट ऑल्सो अटैक्ड कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी, दो इन दीज मैटर्स इट अटेंड ओनली लिमिटेड सक्सेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कास्टिज्म पे इसने अटैक किया था, लेकिन सक्सेस इसको जो ज़्यादातर सक्सेस था वो विमेन अपलिफ्टमेंट में मिला था, कास्ट में इतना ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, ठीक है, ये याद रखना आपने। एंड लिमिटेशंस की बात करें तो ब्रह्मो समाज की लिमिटेशन थी कि ये कैलकटा के बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जा पाया था, अगर ज़्यादा जा भी पाया था तो क्या हुआ था कि वो केशव चंद्र सेन की वजह से हुआ था। जब केशव चंद्र सेन को डिसमिस कर दिया गया तो जो जो ब्रांचेज इनकी वजह से खुली थी उन्होंने केशव चंद्र सेन को समर्थन दिया, तो वो ब्रह्मो समाज की ब्रांचेज बनने की बजाय ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की ब्रांचेज बन गई, ठीक है। तो ज़्यादातर ये बंगाल में ही रहा, और बंगाल में भी बहुत ज़्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट इसका नहीं हो पाया, क्योंकि फिर बंगाल में रह के भी कई सारे स्प्लिट्स होते रहे, ठीक है, तो उसका कुछ खास ये एक तरह से लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं हुआ। असली इम्पैक्ट तभी हुआ जब ग्रेजुअली ये रिफॉर्म एजेंडाज जो थे ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ मर्ज हो गए, और हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक मास कैरेक्टर मिलना स्टार्ट हुआ, तब ये रिफॉर्म्स हो गए। और इन रिफॉर्म्स का प्रोसेस फ्रेंड्स माइंडेड आज तक चल रहा है, हमारी सोसाइटी आज भी परफेक्ट नहीं है, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा आगे भी, ठीक है। तो हमने पास्ट को प्रेजेंट के साथ लिंक करके अपने आंसर्स ऐसे एक्सेट्रा में दिखाना है, और MCQs तो फैक्ट्स के बेसिस पे आप सॉल्व कर ही सकते हैं, यू आर वेरी गुड एक्सपर्ट्स ऑफ सॉल्विंग MCQs, ठीक है। बाय नाउ आई एम वेरी श्योर कि आपने काफ़ी सारे MCQs ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और वेरियस स्प्लिट्स होते थे उसने भी ब्रह्मो समाज को एक तरह से वीक किया था, ठीक है, कि जब ये हर चीज़ के साथ होता है कि सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसमें एक लीडर है, दूसरे लीडर अगर कुछ और बोलना स्टार्ट कर दें जो उनका एक्चुअल लीडर बोल रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली स्प्लिट होना जायज़ है, ठीक है, दो पावर सेंटर्स नहीं हो सकते, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ कि एक लीडर पहले तो ब्रह्मो समाज के साथ एसोसिएटेड था, बाद में उनको निकाल दिया गया, उन्होंने अलग कर दिया, ठीक है, तो जो लोग ब्रह्मो समाज को फॉलो कर रहे थे अब वो कन्फ्यूज़ हो गए कि हम किसको करें, ठीक है, ब्रह्मो समाज को करें कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को करें, फिर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को कर रहे थे जब, तो फिर कन्फ्यूज़ हो गए कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को करें कि ब्रह्मो साधारण ब्रह्मो समाज को करें या फिर आदि ब्रह्मो समाज को करें, तो ऐसे एक तरह से शक्ति ब्रह्मो समाज की डिवाइड हो गई। तो ये इसकी लिमिटेशन थी, क्रिटिकल एनालिसिस में ये चीज़ें काम आ सकती हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने वापस अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था एजर्शन रीजन का, यहाँ पे फ्रेंड्स आप बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज दे सपोर्टेड द एक्टिविटीज ऑफ ब्रह्मो समाज, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज तो बल्कि थ्रेटेंड फील करते थे, और क्योंकि एजर्शन गलत है तो हमारा आंसर बन जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी,
ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में. ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि ब्रह्मो समाज में क्या फॉलो हुआ. सबसे पहले था ब्रह्मो सभा, ठीक है, ब्रह्मो सभा को ही बाद में जाना गया ब्रह्मो समाज से के नाम से. इनके फाउंडर राजा रॉय, ठीक है, फाउंडर एंड लीडर टू. राजा रॉय के देहांत के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने लीड किया. केशव चंद्र सेन को आचार्य बनाया, आचार्य हुआ एक तरह से बागी, तो उन्होंने वहां पे आया स्प्लिट. तो यहां पे दो स्प्लिट आए, आदि ब्रह्मो समाज एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. आदि ब्रह्मो समाज के लीडर देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के लीडर केशव चंद्र सेन. केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का विवाह किया एक माइनर राजा के साथ, फिर से स्प्लिट आ गया. तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और यहां पे क्या आएगा, साधारण ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के लीडर अभी भी केशव चंद्र सेन ही थे, ठीक है. साधारण ब्रह्मो समाज के लीडर कौन बने, आनंद मोहन बोस एंड अदर्स, ठीक है. तो अब मैच कीजिए ब्रह्मो सभा ये थ्री के साथ, साधारण ब्रह्मो समाज आनंद मोहन बोस, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन एंड आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर. तो ऐसे फैक्ट्स आपकी अगर टिप्स पे हैं फ्रेंड्स, आपको एक मिनट से भी कम लगेगा, इवन लेस देन 30 सेकंड्स में आप क्वेश्चन देखते ही अपना आंसर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है. ये मैप इसको ड्रॉ कर लीजिए अपनी बुक्स में, ठीक है, अपने नोट्स में, ठीक है, एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, सो दैट अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी में आता है डॉट भूल जाए आप हिट करें. तो इसका आंसर क्या बन गया, ए थ्री बी इज ए थ्री है, बी इज फोर, सी इज वन एंड डी इट इज टू. तो इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, ठीक है, ए थ्री बी फोर सी वन एंड डी टू, ठीक है. इसमें आंसर हम आपको करेक्ट करके यहां पे देंगे, ठीक है, दिस इज बी. अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. तो यहां पे ट्विस्ट है फ्रेंड्स, कि यहां पे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की बात की जा रही है, जो जिसके लीडर थे केशव चंद्र सेन, ठीक है. यहां पे दो स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट वाज फाउंडेड एज ब्रह्मो सभा बाय राजा राम मोहन रॉय, तो ये कहना गलत होगा, ठीक है. ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, ऑल्दो इसकी अगर ट्रेस बैक करें इसको, तो ब्रह्मो सभा से ही निकला है ये, ठीक है. लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आती है तो उस केस में हमने इसको गलत कंसिडर करना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो फिर आदि ब्रह्मो सभा समाज जो था वो भी ब्रह्मो सभा ही था, इट वॉज फाउंडेड एज ब्रह्मो सभा बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है. तो वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, ठीक है. ब्रह्मो समाज वॉज अ स्प्लिट, ठीक है, अंडर ब्रह्मो समाज, ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत कंसिडर करेंगे, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान में रखना, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. ब्रह्मो समाज की अगर बात होती तो पहली स्टेटमेंट ठीक होती, ब्रह्मो सभा की बात हो रही है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की बात हो रही है, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है. सेकंड कह रही कि इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू बंगाल, ये भी गलत है. ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बेसिकली, क्योंकि पैन इंडिया होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए इसको ऑफ इंडिया नाम दिया था केशव ने, केशव चंद्र सेन जी ने, ठीक है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो इसका आंसर बनता है डी, ठीक है. आई होप फर्स्ट स्टेटमेंट को आपको क्लियर है, ठीक है. इसको ध्यान में रखना है आपने यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त. इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई थी. अब इसमें किसने अपनी बेटी की शादी कराई थी माइनर हिंदू राजा ऑफ कूच बिहार के साथ, इसका आंसर है केशव चंद्र सेन, ठीक है. तो इसका आंसर सी है, ठीक है. तो ऐसे फैक्ट्स भी इट कैन बी आस्क्ड वाइस वर्सा ऑल्सो, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट केशव चंद्र सेन, कुछ स्टेटमेंट्स ही होंगी, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी होगी, या फिर स्टेटमेंट्स ही होंगी और आपने इंसान को चुनना होगा कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी पढ़ा होगा अगर आपने, तो कई लोगों को ए और सी में कंफ्यूजन आती है, ठीक है. लेकिन अगर आपके फैक्ट्स आपकी टिप्स में हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और उसका आंसर है ऑप्शन सी. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नव विधान की हमने बात की थी, नव विधान किसके साथ एसोसिएटेड है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है. इसमें ये केशव चंद्र सेन जो रामाकृष्ण जी के भी इन्फ्लुएंस में आए थे, तो उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में कुछ एडिशनल फिलोसफीज इनकॉर्पोरेट की थी ऑफ द रामाकृष्ण मिशन एज वेल, ठीक है. तो उसी के बाद उन्होंने इसका नाम नव विधान के नाम से भी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को जानना जाने लग पड़ा, ठीक है. तो इसका आंसर है सी. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप आपको हमारे
जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं उससे आपकी तैयारी में आपको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है. एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस ग्रो. वी हैव रीच्ड 100K+ सब्सक्राइबर्स. इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस एंड इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट. ठीक है, तो हमें इजाज़त दें कि हम आपकी सपोर्ट आगे भी करते रहें. तो डू शेयर योर फीडबैक विद अस. ठीक है, डू कॉल अस एंड लेट अस नो हाउ यू आर लाइकिंग आर वेरियस इनिशिएटिव्स एंड व्हाट मोर डू यू वांट फ्रॉम अस दैट कैन हेल्प यू प्रिपेयर इन अ मच बेटर वे. ठीक है, सो ड्रॉप अस अ मेल एट दिस ईमेल आईडी hello@civilstaff.com और गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर दैट इज 8146207241. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप दिवाली की सेलिब्रेशंस भी करेंगे और अपनी तैयारी के साथ भी टच में रहेंगे. सो ट्राई टू मेंटेन द कंटिन्यूटी विद योर स्टडीज सो दैट इस साल के खत्म होने तक आपका काफ़ी सारा सिलेबस और काफ़ी सारी पोर्शन जो आपने पढ़ना है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए. सो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड मे गॉड हेल्प यू कल्मिनेट योर एफर्ट्स इनटू सक्सेस. दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.